टाइगर रिजर्व द्वारा 7 अप्रैल 2022 को व्हाइट फ्लैश कैमरा क्रय हेतु निविदा बुलाई गई, जिसमें 5 निविदा कार सम्मिलित हुए, जिसमें एक निर्माता कंपनी का उत्पाद 3 कंपनियों ने डाला था। बाकी अन्य 2 निविदा कार के उत्पाद के तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी अड़चन निर्मित होने का आदेश जारी कर 4 मई 2022 को निविदा को निरस्त कर दिया गया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद द्वारा दी गई। उसमें से 10 क्रय आदेश में मॉडल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं प्रदाय आदेश के अनुसार तापमान, जियो टैग, प्रेशर का फीचर होना चाहिए था, लेकिन क्रय किए गए कैमरे में उक्त फीचर उपलब्ध ही नहीं है। 3.20 ऑर्डर द्वारा चाहे गए मापदंड के समकक्ष IR कैमरा बाजार में 10,000 से 12,000 के मध्य में उपलब्ध है। इसके अलावा यही मैक मॉडल का कैमरा बगल के वन विभाग ब्रह्मपुरी एवं पेच टाइगर रिजर्व नागपुर में लगभग 24,500 की अति उच्चतम दर से खरीदी की गई। उपरोक्त वन विभाग द्वारा अपने मन माने तरीके से शासन के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वन विभाग के उच्च पद पर आसीन अधिकारी PCCF वन्य चीफ को भी अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। विभाग में वेब कैमरा की खरीदी होती है वन्य जीवों के आकलन हेतु, और उस ट्रैप कैमरा के अंदर में विगत कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सिर्फ एक पार्टी को ही ऑर्डर जा रहा है, और 2021 में एक टेंडर हुआ पहले, तो उसमें के आधार पे उन्होंने टेंडर पार्टिसिपेट किया। बाद में ऑफिसर लोग का कहना ये था कि ठीक है साहब, हमको रेट कम आया है तो हम इसको कर लेते हैं, आप मत कुछ बोलो, हम क्विट हो गए उसमें। अभी उन्होंने 2022 में अप्रैल महीने में एक टेंडर लगाया और ई टेंडर्स के माध्यम से उन्होंने निविदा आमंत्रित किया। डॉक्यूमेंट की कॉस्ट थी, EMD तो बहुत बड़ी हो गई, 17,700 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है आज एक कोई भी आप टेंडर डॉक्यूमेंट परचेस करेंगे तो उसके बाद में भी उन्होंने वो टेंडर को विदाउट असाइनिंग एनी रीजन 4/5/2022 को निरस्त कर दिया, और उसमें उन्होंने एक मराठी में कुछ वर्ड लिखा था, क्या लिखा था, तांत्रिक अड़चन आने की वजह से हम इसको निरस्त कर रहे हैं। तो ये तांत्रिक अड़चन हमको समझ नहीं आया, खैर सोचे कि चलो कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल एरर होगा तो टेक्निकली कोई एरर होगा, उन्होंने दूसरा रिबिट करेंगे। बाद में क्या हुआ कि JM के अंदर में गवर्नमेंट ई मार्केट एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ से भी उनको बाई किया जा सकता है, तो JM के ऊपर में देर इज ए प्रोविजन कि आप 5 लाख रुपीज एनुअली रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उस एनुअली रिक्वायरमेंट को आप एट अ टाइम उस कैटेगरी में अगर कोई भी L1 होता है तो उसको ऑर्डर दिया जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो डी डी कोर जो डिप्टी डायरेक्टर होता है उसके पास में एक फाइनेंशियल पावर रहती है कि पूरा टेंडर असाइन किया जाता है। अब डीडी कोर ने वो टेंडर को क्या किया कि स्प्लिट कर दिया, नीचे RFOs जो होते हैं RH को एक बड़ी सीट आपको दिया गया है, उसमें आपको देख सकते हैं 4/5 को टेंडर निविदा निरस्त किया गया ई टेंडर को, और 5/5 को 13:13 पे इन्होंने ऑर्डर निकालना चालू किया, और 19 मई तक 1 करोड़ रुपये का टेंडर निकाल लिया, ऑर्डर्स निकाल लिया, नॉट अ टेंडर, डायरेक्ट ऑर्डर किया सिर्फ एक ही पार्टी को किया। हर टेंडर के अंदर में हर ऑर्डर के अंदर में एक मेक एंड मॉडल लिखा होता है, तो उसके अंदर में कडीबेक का एक कैमरा आता है, कडीबेक का कैमरा है, उसमें रेड कलर में कुछ हमने दिया था जो आपके पास में ब्लैक एंड व्हाइट में उपलब्ध है, तो उसमें नॉट अवेलेबल है, मॉडल का कोई नंबर ही नहीं है, नाम ही नहीं है, मॉडल नंबर भी नहीं है कुछ ऑर्डर्स में। आउट ऑफ 20 ऑर्डर्स देयर आर 10 ऑर्डर्स जो है उसमें कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं लिखा है मॉडल नंबर का, तो एक तो सस्पिशियस गतिविधि हो गई। सेकेंडरी क्या होता है कि JM पोर्टल पे ये WII जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने कलरफुल इमेज जो है रात को आए टाइगर की या एनिमल की आए जिससे उसका आकलन हो सके, प्लस टेम्परेचर एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, टेम्परेचर से क्या अंदर में टेम्परेचर ये जा रहा है तो टाइगर उसमें लोकेट हुआ, और तो उनको ये पता करना होता है कि टाइप कोई भी फोटोग्राफर को बिठा के फोटो खींच लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे उसका मूवमेंट को ट्रैक होता है, हैबिटेट देखी जाती है कि टाइगर का क्या एक्चुअली स्टेटस है और किस वातावरण में किस टेम्परेचर से वो कैमरा ट्रैक करता है, और उसके आधार पर उसका आकलन होता है वहाँ पर, और उसके बाद में फिर उसके हिसाब से प्लानिंग होती है फॉरेस्ट की कि भाई हमारा ये टाइगर इस एरिया में जाता नहीं है तो क्यों नहीं जाता है, तो बोले वहाँ पे नमी नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें हम जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो हम फॉरेस्ट को ग्रोथ करें, ठीक है, तो ताकि वहाँ पे टाइगर मूवमेंट करे, टाइगर का एरिया बढ़े, ये बेसिकली उस टेम्परेचर की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो WII ने निर्देश किया गया था इनको,
इस साल चूंकि शेयरों की गिनती होती है तो उन्होंने WII ने निर्देश किया कि आपको वाइट फ्लैश कैमरा लेना है, टेम्परेचर होना चाहिए और उसके बाद में ये पैरामीटर्स होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट हो गया तो मैं उसकी कॉपी नहीं निकल पाया हूँ, कोई भी अभी मेरे को बोलेगा तो मैं व्हाट्सएप पर पर्सनली वो WII का सर्कुलर भी आपको अवेलेबल करा लूँगा। फिर उसके बाद में इन्होंने IR कैमरा का ऑर्डर किया, क्योंकि IR कैमरा क्या था कि बैकडोर पर जब ऑर्डर कर रहे थे तो उनको वहाँ पे वो इजी गोइंग हो रहा था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वाइट फ्लैश की मार्केट है तो कौन IR में जाके माल बेचेगा, और IR के ऊपर में ऑर्डर निकालना इजी था तो इन्होंने IR कैमरे के ऑर्डर्स निकाल लिए। उस कैमरे के ऑर्डर के अंदर में मैंने कॉपी भी लगा दिया है, कॉपी लगाने के बाद में उसमें आप देखेंगे टेम्परेचर है, जियो टैगिंग है और प्रेशर है, ये तीनों चीज़ वो कंपनी कभी उस कैमरा के फीचर्स में उपलब्ध ही नहीं है कैमरा, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि हंटिंग करना है तो वहाँ रखते हैं ताकि वो कैमरा में कोई एनिमल आए तो उसको किल करने जा सके, तो यूजुअली यूरोप और अमेरिका में जहाँ पे ये हंटिंग कैमरा बोला जाता है इसको, तो इन्होंने हंटिंग कैमरा के नाम पे कर दिया टेंडर। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने टेंडर को निरस्त कर दिया, निरस्त करने के बाद में भी उन्होंने ऑर्डर निकाल लिया। जो कैमरा ताड़ोबा में 19,900 रुपया के आसपास में खरीदा है सिर्फ 20,000 रुपया, वही ब्रह्मपुरी और पेस टाइगर रिजर्व में 24,500 में खरीदा गया है उन्हीं के आसपास की रेटों में, तो ये 5,000 रुपया का बहुत बड़ा झोला है। साथ में IR कैमरा जो होता है, IR कैमरा को अगर मार्केट में लेने जाओगे 10-12,000 रुपए में आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है, तो अगर IR कैमरा उनको खरीदना था तो उसको टेंडर करते तो 10-12,000 रुपए में हम ही लोग सप्लाई करते थे वहां पे, 10-12,000 रुपए में जो चीज उपलब्ध हो रही है उसको उन्होंने 20,000 रुपए में खरीदा। इवन लास्ट ईयर में जो टेंडर हुआ था 2021 में 400 कैमरे का, वो भी उन्होंने यही स्पेसिफिकेशन वाइट फ्लैश कैमरा 20 मेगापिक्सल और टोटल अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये 50-60 करोड़ रुपए का पूरा स्कैम है ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो 10 से 12 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड वैल्यू जाएगा इसका। सेम कंपनी MP में कर रही है, महाराष्ट्र में करती है, राजस्थान में करती है, UP में करती है। इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग को 2 अगस्त 2022 को अवगत कराया गया है, जिसमें एक ही कंपनी को 740 कैमरा मूल्य लगभग 1,85,25,224 रुपए का क्रय आदेश सीधे कर दिया गया है, जो गलत है। ऐसी जानकारी यज्ञ दत्त आचार्य द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।